સુરતના વરિયાળી બજાર નજીક મદરેસામાં ભણતા વિદ્યાર્થીઓને તેમના વતન પરત મોકલવામાં આવ્યા છે। એકાએક લોકડાઉન જાહેર થતા ટ્રેન બંધ કરી દેવામાં આવી હતી। બાદમાં પોતાના માદરે વતન પહોંચવા માટે તમામ મુસ્લિમ બાળકોને ટિકિટ પણ કન્ફર્મ થઈ છતાં મદરેસાના આગેવાનોને મદદરૂપ થનાર તંત્રનો આભાર માન્યો હતો। सलीम भाई पहले तो आप नाम बताओ। सलीम भाई चांदीवाल। सलीम भाई अभी कौन सा एरिया है? ये अभी अपने खड़े ले हैं वरिया भागल औड़ी मंगला स्कूल के पास। अभी ये कौन सी संस्था के बच्चे कहाँ जा रहे हो बताओ? मदरसा इस्लामिया वक्फ के बच्चे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं? ये बिहार जा रहे हैं। किस तरह जा रहे हैं? ये जब 23 तारीख को लॉकडाउन वो दिन रात को टिकट थी, जब वो ट्रेन कैंसिल होने से 700 हमने कलेक्टर साहब को इसकी अर्जी दे दी, वो कॉपी आई हमारे पास, पुलिस कमिश्नर साहब को दी, म्यूनसिपाल्टी कमिश्नर साहब को दी, वो सब हमारे से रिकॉर्ड है। फिर हमने माननीय वडा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब को ईमेल करा जी, उनका भी जवाब आया। फिर रूपाणी साहब को करा, उनका भी सबका जवाब आया। फिर कलेक्टर साहब को हमने 4 दिन पहले रात को 9:30 बजे मैंने फ़ोन किया, फ़ोन उठाया, मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि हम बहुत परेशान हैं। किस बात से परेशान होगा? हमारा मदरसा में 760 बच्चे अटके हुए हैं, तो हमको इसका कोई घट्टा कर दो, इसका कोई, क्योंकि तो कल 1 बजे तो हम दूसरे दिन मैंने हबीब भाई हो रहा कलेक्टर साहब तरह हमको ले लिया ना, हमारा एकदम मैनेज करवा दिया। आज ये बच्चे यहाँ तक पहुँचे, आज रात की टिकट है। ये मदरसे में ये फ्री कोर्स जा रहे हैं कि ऐसा क्या है? ये फ्री कोर्स जा रहे बच्चे? नहीं 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 नहीं, हमने टिकट के पैसे पूरे भरे हैं। अब आप क्या चाहते हो? अभी इनके वतन पहुंच जाओ। अब हमको ये कलेक्टर साहब ने, सब पुलिस तंत्र ने, म्यूनसिपाल्टी ऑफिस कमिश्नर साहब ने हमको बहुत मदद की है। कलेक्टर साहब का तो बहुत 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 मेहरबानी हमारे पंचायत हमारा घट्टा कर। कोरोना वायरस के लेके आप क्या मैसेज दोगे? घर में रहे, डिस्टेंस से रहे, ये तो जाने वाला ही, अपनी जान खोनी नहीं अपनों को। सही बात।